थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। ठीक, एक बार जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, फिर अपन बात करते हैं। ठीक, चलिए चलिए दोस्त, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। चलो नहीं किया क्या अभी? ठीक दोस्तों, चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बेटा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर अपने हम काम शुरू करते हैं, यानी कि जो हम पढ़ने आए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरिता जी, स्वागत है कंचन जी, सबका स्वागत है दोस्त, सबका स्वागत है। एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, अपन बहुत स्पीड में करने वाले हैं, बहुत सारी जानकारियां जो है लेने वाले हैं या प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, वेलकम वेलकम, स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, चलिए, रोशनी जी, तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्त, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आई थी दोस्त, इसीलिए जो है क्लास थोड़ी सी देर हुई, थोड़ी सी देर हुई बेटे, थोड़ी सी देर हुई, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे कि आपकी क्लास जो है वो थोड़ी सी देर स्टार्ट हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सफर जारी है बेटे, सफर जारी ही रहेगा सोनम, ठीक है, सफर जारी है। ठीक, क्योंकि जब आप धरती पे अपनी पहली सांस लेते हो ना, तब से आपके संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है या लिख दी जाती है, और मरते दम तक, यानी कि जब तक आप शमशान घाट तक नहीं पहुंचते हैं या जब तक आपकी सांसें बंद नहीं होती हैं, तब तक आपका सफर और संघर्ष दोनों जारी रहता है बेटे। ठीक है, सफर और संघर्ष दोनों जारी रहता है। ठीक, चलो श्वेता जी, धन्यवाद आपका, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है दोस्त, स्वागत है आप सबका। एक बार जो है आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, फिर अपना सेशन हम लेके आगे चलते हैं बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने सेशन को लेके। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करें किसकी, पहले तो हम अपने टाइम टेबल की बात कर लें। टाइम टेबल आपका बहुत स्ट्रिक्ट है बेटे, बहुत जो है एक तरह से मैनरिज्म या मैनर में बनाया गया है, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक बेटे, जो 2023 के लिए, स्पेशली जो उम्मीद 2023 बैच से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेटे। ठीक है, उनके लिए विपेश सर लेके आ रहे हैं, क्या विपेश सर लेके आ रहे हैं आपके लिए पीआईबी और संसद टीवी। ठीक, पीआईबी और संसद टीवी लेके आ रहे हैं विपेश सर, और साथ ही साथ जो है सुमित सर करंट अफेयर्स की क्लास 7 बजे लेके आते हैं, 5 बजे विपेश सर की क्लास होती है, हरिदास सर की क्लास 9 बजे होती है, अमन सर 10:30 बजे ज्योग्राफी लेके आते हैं, अमरेंद्र सर एनसीईआरटी लेके आते हैं हिस्ट्री, अगर जिसको दिक्कत है हिस्ट्री में एनसीईआरटी में, अमरेंद्र सर के साथ जो है वो जुड़ सकता है। और मैं 1 बजे लेके आता हूँ क्या, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जहां पे बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको दी जाती है, और साथ ही साथ विपिन सर लेके आते हैं मैपिंग आपके लिए, और जुबैर सर कोर साइंस लेके आते हैं, और साथ ही साथ सुयश सर हिस्ट्री 5 बजे, ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, और अमित जी लेके आते हैं क्या 6 बजे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स लेके आते हैं, फिर अभी के टाइम यानी कि अभी आपके सामने मैं खड़ा हूं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ दीपक जी मेरे बाद आएंगे, उसके बाद आते हैं आप सबके प्रिय, हमारे प्रिय वेद सर। ठीक, 9 बजे किसी क्लास लेके, पॉलिटी की क्लास। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं कौन कौन जुड़ गया है। बिल्कुल, योगेश जी, सचिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सचिदानंद जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो दोस्त शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और देखते हैं भैया कि क्या क्या हो सकता है। हम बात करेंगे आज फाइटर जेट्स के बारे में, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया दोस्त, तो दूसरा वाला पार्ट आज नहीं कवर करेंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दूसरा वाला पार्ट जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो हम कल करेंगे। ठीक है, वो हम कल करेंगे, लेकिन आज बहुत जरूरी चीजें जानने के लिए हमारे पास किसके लिए है, आपके फाइटर जेट्स के बारे में जानना है। ठीक, फाइटर जेट्स के बारे में जानना है, और इसके बारे में जानेंगे क्या, बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में भी जानना था हमें, लेकिन आज लेट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आधी अधूरी जानकारी देना या आधी अधूरी सूचनाएं आप तक पहुंचाना ये गलत है, तो इसके लिए हम कल क्लास रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बघेल जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, राहुल जी स्वागत है, नवल किशोर जी स्वागत है दोस्त, सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर, राम किशोर जी स्वागत है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जानना था हमें,
कल जानेंगे, आज हम जानेंगे अपने एयरफोर्स के बारे में। लेकिन गुरुकुल जो ऑफलाइन क्लासेस है वो स्टार्ट है आपकी कहाँ, नोएडा ऑफिस में, ठीक है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2022-23 के लिए। तो 13 फरवरी से क्या है, बैच स्टार्ट है। 13 फरवरी से बैच स्टार्ट है और वो भी क्या है दोस्त, बिल्कुल फ्री। याद रखिएगा सामने नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप करिए फोन, बात करिए, आपके छोटे भाई, आपके आस पड़ोस के दोस्त या आपके परिवार के सदस्य इसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के इच्छुक हैं, तो बिल्कुल बेधड़क आप इस पे फोन करिए और जुड़ने के लिए हमसे बात करिए, ठीक है दोस्त। चलिए तो हम शुरू करने वाले हैं क्या बेटे, हम शुरू करने वाले हैं अपने फाइटर जेट्स के बारे में, देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सर मेरी गुड इवनिंग नहीं लिया आपने, अच्छा सॉरी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे आपको, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्त हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप जान लीजिए अपने फाइटर प्लेन्स के बारे में, फाइटर प्लेन्स के बारे में, ठीक है दोस्त। फाइटर प्लेन्स के बारे में जान लीजिए कि भैया फाइटर प्लेन्स कब से हमारे लिए बड़े क्रूशियल हो गए, कब से। 1948 बात है तब की, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, या पाकिस्तान ने घुसने की गुस्ताखी की थी, तब से हमारे देश के लिए ये फाइटर प्लेन्स जो है वो एक मजबूत कड़ी के रूप में या भारतीय सेना के रीढ़ की हड्डी के रूप में तब से लेके वर्तमान समय तक मौजूद हैं, तब से लेके वर्तमान समय तक मौजूद हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ किया था किसने, पाकिस्तान ने, ठीक। फिर उसके बाद 1962 की बात करें, जब हम आपको जो है उस युद्ध में आशातीत सफलता नहीं मिल पाई थी, वहां पे भी फाइटर जेट्स ने क्या किया था, एक तरह से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और साथ ही साथ 1965 की बात करें, जब पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, बात करें किसकी, बात करें 71 की बात करें तो भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। और बात करें किसकी दोस्त, बात करें कारगिल की, तो कारगिल में भी हमने इनको क्या किया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। और उसमें भी हमारे ये फाइटर जेट्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में सामने आए, दोस्त। और जैसे हम बात करते हैं कि भाई एयरफोर्स ही क्यों इतना फोकस रहता है एयरफोर्स पे, क्यों जो है मतलब इतने खर्चे होते हैं, क्यों इतने महंगे 800-800 करोड़ के, 600-600 करोड़ के या 1100-1100 करोड़ के जो है हम क्या मंगाते हैं, देखा जाए तो 1000 करोड़ के एक फाइटर प्लेन मंगाते हैं, क्यों मंगाते हैं। एक तो जान लीजिए कि ये क्या है दोस्त, ये तीनों सेनाओं में देखा जाए तो बेटे सबसे घातक हैं आपकी एयरफोर्स जो है, ये तीनों सेनाओं में सबसे घातक है बेटे, ठीक है, गुड, ठीक है। एक बार जो है आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। नाहर सिंह जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सुपर कंप्यूटर जी भी आ गए, नमस्कार दोस्त, बिल्कुल। प्रीति जी स्वागत है बेटे, कहां रह गए थे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या मतलब हम तो बात कर रहे थे ना कि भाई एयरफोर्स ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और तीनों सेनाओं की बात की जाए तो एयरफोर्स क्या है दोस्त, सबसे विध्वंसक है, लोचशीलता है इसमें, त्वरित निर्णय यानी क्विक डिसीजन प्रॉम्प्ट एक्शन, त्वरित निर्णय लिया जा सकता है और त्वरित भी कार्रवाई की जा सकती है इसमें, ठीक। लचीला होता है यानी एक्शन और डिसीजन लेने की जो देखा जाए ड्यूरेशन होती है, एक तो कम होती है, चलो वो बात अलग है अपनी, लेकिन लचीला किसमें में कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, बचने में भी क्या होते हैं दोस्त, बचने में भी ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत तेज होते हैं, यानी कि इनके बचाव का प्रतिशत ज्यादा होता है, ठीक। अपेक्षाकृत अन्य जो बात करें नेवी की करें तो वहां पे हम सबमरीन्स चला रहे हैं, स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती उनकी, उनको कोई भी मिसाइल जो है हिट कर सकती है, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन सेनाएं हमारी किसी अगर मिशन पे जा रही हैं तो वहां से वापस लौटने में भी उनको समय लगता है। लेकिन बात करें समय की और वो भी बात करें फाइटर प्लेन्स की, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्त, फ्लेक्सिबिलिटी है और गतिशीलता है, गतिशीलता यानी कि वेग, और दूसरी बात सटीकता यानी कि दुश्मन को नष्ट करने की, ठीक। बहुत बढ़िया शिवानी जी स्वागत है दोस्त,
सबका स्वागत है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, फिर जो है हम चलते हैं, ठीक। फिर चलते हैं हम कहां, अपने सफर पे, किसके, एयरप्लेन्स के, या सॉरी एयरप्लेन्स नहीं, फाइटर जेट्स के सफर पे चलते हैं, सॉरी फाइटर जेट्स के सफर पे चलते हैं, ठीक, बिल्कुल फाइटर जेट्स के सफर पे चलते हैं और देखते हैं कि भैया हमारे पास वर्तमान समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं, ठीक है बेटे। सबसे पहले तो सुखोई 30 MKI की बात करेंगे, सुखोई 30 MKI। इसके बारे में देखा जाए दोस्त तो रूस द्वारा विकसित, ठीक है, रूस द्वारा इसका विकास किया गया, लेकिन लाइसेंस किसको दिया गया है विकसित करने का, विकसित करने का लाइसेंस दिया गया है आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को क्या किया गया है, इसको दिया गया है लाइसेंस, किसके लिए, विकास करने के लिए, विकास करने के लिए लाइसेंस दिया गया है भैया आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या कर सकता है, ये विकास कर सकता है आपकी सुखोई 30 MKI का, सुखोई 30 MKI का। और याद रखिएगा पॉवेल सुखोई ने इस विमान को बनाने के लिए जो कंपनी स्थापित की 1939 में, लिख लेना बेटे अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन में, 1939 में किसने, पॉवेल सुखोई ने, ठीक है, पॉवेल सुखोई, ठीक है, पॉवेल सुखोई ने क्या किया था, पॉवेल सुखोई ने स्थापना की थी एक कंपनी की जहां पे ये बने थे, कब, 1939 में, ठीक बेटे, ठीक। आप लोग ध्यान दो बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो, पूछ लिया जाएगा कि सुखोई आपका किस पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, तो याद रखिएगा सुखोई आपका फोर्थ पीढ़ी का, यानी कि फोर्थ प्लस जनरेशन का फाइटर प्लेन है, सुखोई फोर्थ प्लस जनरेशन का फाइटर प्लेन है। अधिकतम इसका वेग कितना है दोस्त, इसकी जो गति है 2.8 Mach की है, यानी कि आवाज की गति से 2.8 गुना तेज चलता है, कौन, आपका सुखोई 30 MKI। इसमें दो इंजन है, यानी कि ट्विन इंजन लगे हैं आपके सुखोई में, ट्विन इंजन लगे हैं, यानी कि दो इंजन लगे हैं, और सभी मौसमों के लिए लंबी दूरी का मारक क्षमता वाला आपका कौन सा विमान है, लड़ाकू विमान है, मारक क्षमता वाला। याद रखिएगा समय के हिसाब से रसिया ने क्या किया, इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड किया दोस्त, बहुत ज्यादा अपग्रेड किया रसिया ने, क्या किया था दोस्त, रसिया ने इसको बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, यानी देखा जाए तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं, बहुत सारे वर्जन हैं, और जिसमें से सुखोई 30 MKI ये हमारे पास है, और ये भी क्या है, एडवांस्ड वर्जन है सुखोई 30 MKI का, बिल्कुल सुखोई 27 KI, यानी सुखोई 30, चलो लिख ही देते, ठीक है, सुखोई 30, ठीक है, अब सुखोई एक आया था 27 KI, या फिर उसको कहा जाता सुखोई 30 MKI, ठीक है, सुखोई 30 MK, ठीक। इसके बाद भी बहुत सारे वर्जन रहे इसके, ठीक, 30 MK, 30 MKI, ये सारे के सारे वर्जन दोस्त क्यों विकसित किए गए, क्योंकि इनको मुकाबला करना था यूएसए से, अमेरिका से के F-15 से, रैप्टर 22 से, ठीक। अब वर्तमान में सबसे ज्यादा ताकतवर विमान किसके पास है, रसिया कहता है मेरे पास है, रसिया कहता है मेरे पास है, और यूएसए कहता है उसके पास है, ठीक है, रैप्टर 22, और ये कहता है कि मेरे पास सुखोई 35, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी के विमान है बेटे, ये है आपके फिफ्थ जनरेशन के विमान है, और हमारे पास क्या फिफ्थ जनरेशन का विमान है, बता सकता है कोई, हमारे पास क्या फिफ्थ जनरेशन का कोई विमान है या नहीं है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बेटे, जल्दी बताओ बेटे, हमारे पास कोई विमान है फिफ्थ जनरेशन का, या पांचवी पीढ़ी का कोई फाइटर जेट है हमारे पास, चलो बताओ बेटे, ठीक, बताओ, जल्दी बताओ। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में यूज हुआ था, अच्छा जी, सुखोई यूज हुआ था, पक्का, जल्दी बताओ दोस्त,
चलो राफेल, बहुत बढ़िया, एक उत्तर आया राफेल। सुभाष जी कह रहे हैं यस, ठीक, बहुत बढ़िया। सोनम जी कह रही हैं राफेल, ठीक है, नो। आनंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आपको बताने के लिए कि हमारे पास अभी पांचवी पीढ़ी का कोई फाइटर प्लेन नहीं है। याद रखिएगा हमारे पास पांचवी पीढ़ी का कोई फाइटर प्लेन नहीं है, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं भाई कि जो आपका सुखोई है, ठीक, उसके बारे में देख लिया हमने कि भैया क्या है, 4+ पीढ़ी का आपका विमान है सुखोई, 4+ जनरेशन का विमान है। अगला विमान कौन सा है बेटे? अगला विमान मिराज 2000 है, मिराज 2000 है। अगला विमान आपका कौन सा है? मिराज 2000। अब ये क्या है? डेसॉल्ट कंपनी, किसी को याद है डेसॉल्ट कंपनी? बिल्कुल, किसी को याद है बेटे डेसॉल्ट कंपनी? तो उसने डेसॉल्ट मिराज 2000 क्या है दोस्त, एक फ्रांसीसी सिंगल रोल सिंगल इंजन सॉरी मल्टी रोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन का, याद रखिएगा फोर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का क्या है ये आपका फाइटर जेट है, फोर्थ जनरेशन का, यानी कि हम भी अपग्रेडेड हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है अपग्रेडेड हैं, हम भी अपग्रेडेड हैं, ठीक, बिल्कुल। तो ये क्या है बेटे, फोर्थ जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके लिए भारत ने 1980 में फ्रांस के साथ समझौता किया था, किसके लिए, आपके सुखोई के लिए सॉरी आपके मिराज के लिए, मिराज के लिए समझौता किया था, मिराज के लिए समझौता किया था। और यह जेट यानी कि ये फाइटर जेट याद रखिएगा भारतीय वायुसेना के रणनीतिक विमानों में से एक है। अगर कहा जाए कि ये सबसे सुपर या सबसे ऊपर आपका फाइटर प्लेन है जो आपके स्ट्रेटजिक जो रणनीतिक देखा जाए तो रणनीतिक विमानों में से एक है, बिल्कुल ये अकेला ऐसा विमान है जिसके आगे सारे के सारे आपके फाइटर जेट्स फेल हैं, सारे के सारे फाइटर जेट्स फेल हैं। क्यों बेटे, क्यों मैं ऐसे कह रहा एक बार ये देख लेना, ठीक है, किसी को याद है ये किसी को याद है कि नहीं बताइएगा, किसी को याद है कि नहीं ये जल्दी बताना बेटे, किसी को याद है कि नहीं, किसी को याद है कि नहीं, किसी को याद है कि नहीं बताना, ये घटना कहाँ की है, कोई बताएगा बेटे ये घटना कहाँ की है, चलो ये घटना कहाँ की है बेटे बताना, फ्यूचर का वॉर एयर में ज्यादा होगा बेटे, एयर में नहीं होगा, स्पेस में लड़ेंगे हम, एयर वेयर कुछ नहीं, अब याद है तो बताइए सालिनी जी और सॉरी शिवानी जी, याद है तो बताइए कहां का ये सीन है, कहां का सीन है ये, ठीक, कहां का सीन है आपका, ये है मिराज 2000, ये टच कर रहा है आपका एक हाईवे, ठीक, एक हाईवे टच कर रहा है यानी कि आगरा एक्सप्रेसवे, किसी को याद है बेटे, किसी को याद है यमुना नहीं बेटे आगरा एक्सप्रेसवे, किसी को याद है राजस्थान नो क्या नेशनल हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे नहीं सर, तो ये बेटे आपका है कौन सा, ये है आपका मिराज, ठीक है, मिराज 2000 जो क्या है आपका या भारतीय वायुसेना का एक रणनीतिक विमान है, स्ट्रेटजिक विमान है, यानी छोटे रनवे से भी उड़ाया जा सकता है, आपके हाईवे पे भी उतारा जा सकता है, ये इसी की प्रैक्टिस हो रही थी कहां, आपके आगरा एक्सप्रेसवे पे, आगरा एक्सप्रेसवे पे क्या हुआ था, एक एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया, निर्माण नहीं वो है ही इतना चौड़ा कि एक एयर स्ट्रिप का वहां चुनाव किया गया था कुछ 100 मीटर का, ठीक है, कुछ 200 से 400 मीटर 400 से 500 मीटर का क्या किया गया था, एक चुनाव किया गया था पट्टी का जहां पे आपके फाइटर प्लेन्स क्या हो सके उतर सके, ये रणनीति है, रणनीति है दुनिया को दिखाने की कि बेटे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सड़कों पे भी अपने फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं, फिर आके तुम्हारी बैंड बजा सकते हैं, ठीक, स्पेशली खुली चुनौती थी किसके लिए, आपके चाइना के लिए और आपके पाकिस्तान के लिए, ठीक, बहुत बढ़िया। तो जुड़ना बेटे, शेयर करो मजा नहीं आ रहा इतने से, ठीक है, शेयर करो मजा नहीं आ रहा बेटे, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग जानते रहो कि हमारे फाइटर प्लेन्स क्या कर सकते हैं, हमारी सेना कितनी पावरफुल है, पेपर वेपर पढ़ा करो दोस्त, ठीक, चलो
अभी हम क्या देखेंगे, अभी एक बार इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। किसकी? आपके मिराज की। मिराज की स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो ये क्या है, Mach 2.2, ठीक है। गति इसकी यानी कि 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। कितना? 2336 किलोमीटर, याद रखिएगा। 1550 किलोमीटर क्या है दोस्त, 1550 किलोमीटर तक ये यात्रा कर सकता है। और साथ ही साथ ये कितना, 59,000 फीट तक ये क्या कर सकता है, यानी 17 किलोमीटर ऊपर जा सकता है, 17 किलोमीटर ऊपर जा सकता है। बेटे वो बहुत पुराना था, वो आपका था क्या, वो आपका MiG-21 था, ठीक है। MiG-21 याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, ठीक है, उड़ता हुआ ताबूत बोला जाता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक। और किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, बात कर रहे हैं कि इसका जो क्लाइंबिंग रेट है वो क्या है बेटे, 56,000 फीट पर मिनट है, 56,000 फीट पर मिनट की रफ्तार से ये ऊपर जा सकता है। फ्लाइंग जो रेट होती है इसकी, क्लाइंबिंग रेट, ठीक है, मैक्सिमम क्लाइंबिंग रेट, जो मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब है वो कितना है, 56,000 फीट पर मिनट है, ठीक, याद रखिएगा। लेंथ कितना है बेटे, 14.36 मीटर का है। और इसका जो विंग्स स्पैन है, विंग्स यानी पंखा है, वो 9.13 मीटर का एक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेट कितना है, 7,500 किलोग्राम का, 7,500 किलोग्राम का, और 17,000 किलोग्राम का वजन लेके क्या कर सकता है, उड़ सकता है, ठीक है। चलो, 9 वेपन हेड पॉइंट, हार्ड पॉइंट, 5 ऑन द फ्यूजलार्ज एंड 2 ऑन ईच विंग्स, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेजर गाइडेड बम्स ले जा सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स ले जा सकता है, एयर टू सरफेस मिसाइल भी ले जा सकता है आपका। यानी कि ये क्या है, ये आपका सबसे, आपके वायुसेना का बेटे, वायुसेना का सबसे बड़ा रणनीतिक जो है आपका फाइटर प्लेन है। यानी कि कहा जाए ये बहुत जरूरी है भारत के लिए, जिस तरह से हमारी सीमाएं हैं, चाहे वो चाइना की सीमा हो या आपके पाकिस्तान की सीमा हो, वहां पे ठीक ठीक कोई नहीं, वहां पे बेटे क्या करना है, वहां पे ये आपका जो मिराज 2000 है बहुत काम में आने वाला है, ठीक। चलिए चलिए दोस्त, अब देखते हैं आगे, आगे कौन है, आगे है आपका MiG-29 बेटे। ये कहां से आया, ये आया आपके सोवियत संघ से, सोवियत जब आपका था, यानी कि 1991 में विघटन हुआ, उसके पहले क्या था भाई, USSR था ना, तो 70 में क्या हुआ था, 70 के दशक में सोवियत रूस द्वारा विकसित एक ट्विन इंजन, यानी इंजनों की संख्या कितनी है बेटे, ट्विन इंजन की बात करेंगे, ट्विन इंजन यानी कि दो इंजन और चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, चौथी पीढ़ी मल्टी रोल फाइटर जेट और ट्विन इंजन, ठीक है। अब इसकी डिजाइन याद रखिएगा, मिकोयान ब्यूरो द्वारा एक श्रेष्ठ हवाई लड़ाकू के रूप में विकसित किया गया था, यानी कि यह क्या है, सबसे श्रेष्ठ हवाई लड़ाकू विमान के रूप में क्या किया गया था, विकसित किया गया था। अब देखा जाए तो इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, बहुत सारे वेरिएंट हैं। पहला कौन था दोस्त, पहला था आपका MiG-21, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उड़ता ताबूत, ठीक है, उड़ता ताबूत, ठीक, उड़ता ताबूत, यानी कि बहुत पुराना हो चुका है बेटे, इसलिए कि इसका जो इंजन है या इसके उड़ान के जो घंटे हैं, जो इसकी लाइफ होती है, याद रखिएगा, जो आपके फाइटर प्लेन्स की लाइफ होती है ना, वो घंटों पे बेस्ड होती है बेटे, घंटों पे बेस्ड होती है, ना कि साल पे, कितने घंटे ये उड़ सकता है, कितने घंटे, याद रखिएगा, कितने घंटे उड़ सकता है, ये उसकी लाइफ ड्यूरेशन है, लाइफ ड्यूरेशन है, यानी कि कितने घंटे आपका फाइटर प्लेन उड़ेगा, जैसे 3000 घंटे बहुत होते हैं यार, हम कभी उड़ा लेंगे 3000 घंटे, नहीं, कई दिन लग जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे 3000 घंटे उड़ाने में आपको, 3000 घंटे आप सोच लो कितने दिन उड़ा सकते हो, 3000 घंटों के बाद जो है आपको उसको डीकमीशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रिकल फेल या जो टेक्निकोलॉजिकल फेल्योर होते हैं वो होते रहेंगे, और हमारे पायलट ऐसे ही नष्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बेटे, ये आपका MiG-29 है, इसके कई वर्जन आए, MiG-21, फिर आया MiG-23, ठीक, फिर आया MiG-25, फिर आया MiG-27, ठीक, फिर आया MiG-29, ठीक,
29 आया, और ये वर्जन जो है अभी हमारे पास है, ये वर्जन भी क्या है, अपग्रेड है आपके मिग 21 से, अपग्रेडेड है, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, ठीक, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है बेटे। एक बार सेशन को बेटे शेयर कर देना, आप लोग सेशन को शेयर कर देना बेटे, सेशन को शेयर कर दो मेरे फोन से। अच्छा 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोग लिख रहे हो कि नहीं पहले ये बता दो। अच्छा जी, शबनम नाथ जी स्वागत है दोस्त, बिल्कुल बेटे पढ़ना है तो ठीक है, पढ़ लो कायदे से बेटे, नहीं तो बाद में ना दिक्कत होने वाली है फिर, क्योंकि बताया पढ़ाया सब जाएगा आपको, फिर आपको आएगा नहीं जब पूछा जाएगा आपको कि मिग 29 किस जनरेशन का है, याद ही नहीं होगा। तो ये सब जानना जरूरी है बेटे, कब बना, 1970 दशक की दशक का है ये, ठीक है कोई बात नहीं, जरूरी है जानना। अब आते हैं राफेल पे, ठीक, राफेल 4.5 पीढ़ी का क्या है, फाइटर जेट है या लड़ाकू विमान है, बिल्कुल कंचन जी, श्वेता जी बिल्कुल नोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर सभी क्लास यूट्यूब पर चलेंगी क्या, बिल्कुल चलेंगी बेटे आनंद जी, सभी क्लास जो है वो आपके यूट्यूब पे चलने वाली है, चल ही रही है यार, चलने वाली क्या है, ये उम्मीद बैच है बेटे, उम्मीद बैच 2023, ठीक है, टारगेटेड है, टारगेटेड है। तो आप लोग नोट करते रहिए प्लीज, नोट करते रहिए बेटे, क्योंकि ये जरूरी है, जरूरी है आपके पेपर के लिए, आपकी जानकारी के लिए। कम से कम आप कुछ नहीं बनो भाई, इंसान तो बन जाओ, अपने देश के बारे में जानते रहो कि हाँ हम कितने शक्तिशाली हैं, हाँ हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हाँ हमारा समाज कैसा है, संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दे रखे, ये तो जानते रहो, ठीक। इसके लिए पढ़ लो, अपने बच्चों को पढ़ा सको, अपने परिवार को बता सको, ठीक। चलो ये क्या है बेटे, ये 4.5 जनरेशन का क्या है, फाइटर जेट है, क्या है 4.5 जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, एडवांस्ड है, 4.5 जनरेशन का, 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है हमारा। और इसमें क्या है बेटे, इसमें दो इंजन लगे हैं, और यह क्या है, यह मल्टी रोल भूमिका निभाने वाला विमान है या फाइटर जेट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो है क्या बेटे, हाइट 5.30 मीटर, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24.5 टन, 24.5 टन लेके ये उड़ सकता है, 24.5 टन, सोचिए कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। उसके बाद बात करते हैं फ्यूल की, 4.7 टन जो है फ्यूल्स ये इसमें हो सकते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल कितना हो सकता है, 6.7 टन, ठीक, यानी कि ज्यादा ले जा सकता है, यानी दूर तक मार करने के लिए ये बना है, फेरी रेंज यानी कि ये 3700 किलोमीटर का चक्कर लगा सकता है, 3400-700 किलोमीटर का चक्कर लगा सकता है, हवा से हवा में तेल भरने की जो क्षमता है वो इस विमान के अंतर्गत है। और लेंथ इसकी लंबाई कितनी है, 15.30 मीटर की, 15.30 मीटर इसकी लंबाई है, और ओवरऑल एम्प्टी वेट देखा जाए इसका तो कितना है, 10 टन के बराबर है। टॉप स्पीड दोस्त, टॉप स्पीड इसकी क्या है, 1.8 मैक एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे बेटे कितनी है, 1.8 मैक, यानी कि आवाज की गति से 1.8 गुना ज्यादा। अब बात करेंगे सर्विस सेलिंग की, तो 50,000 फीट तक ये क्या कर सकता है, आपको सर्विस दे सकता है, ठीक, 50,000 फीट तक ये सर्विस दे सकता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं भाई और कुछ हो सकता है कि नहीं इसमें, कि बस खाली भाई इतने में खत्म, नहीं भाई राफेल का भी मतलब कुछ है, ऐसे नहीं राफेल को हम जाने दे सकते भाई, या ऐसे नहीं ला सकते राफेल को, ठीक, कुछ तो बात होगी हम लाए होंगे। अब देखा जाए राफेल का हवाई वर्चस्व, अगर इसके हवाई वर्चस्व की बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है दोस्त, कि राफेल का उद्देश्य हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस हवाई वर्चस्व अंतर्विरोध यानी कि बाधित करने का कार्य, और साथ ही साथ किसकी हवाई टोही, टोही विमान जिसे हम बोलते हैं, या टोही, या क्या करना जैसे जासूसी करना, इसको बोलते हैं टोही, हवाई टोही
जमीनी समर्थन या जो आपके जमीन पे सेनाएं हैं उनको समर्थन प्रदान करना, साथ ही साथ दोस्त क्या गहराई से हमला, यानी कि गहराई से हमला सागर में भी ये क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए चलिए बेटे, आप किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहाज रोधी हड़ताल और प्रदर्शन करना। बिल्कुल हड़ताल नहीं करेगा ये करेगा उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और साथ ही साथ किसकी बात करेंगे, हथियारों की श्रृंखला की अगर देखा जाए तो आपके हथियारों की श्रृंखला अगर देखी जाए तो आपके जो राफेल है उसमें लगा है मिटियोर मिसाइल, स्कैल्प्स, ठीक है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगी है और लगी है माइका हथियार प्रणाली। माइका पढ़ा था आपने, ये आपके राफेल जेट में लगी हुई है, राफेल जेट में लगी हुई है। अब जैसे मिटियोर के बारे में देख लिया जाए तो ये क्या है, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज या वाली मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि आपको दिख नहीं रहा है तब भी आप उसको हिट कर सकते हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल बीबी रैम, ठीक है, अगली पीढ़ी की मिसाइल है। अब इसका डिजाइन किस लिए किया गया, इसका डिजाइन किया गया आपको आपका हवा से हवा में मार करने के लिए, हवा से हवा में मार करने के लिए बनाया गया। और ये देखा जाए तो जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल है उसकी एडवांस वर्जन है या एडवांस तकनीक कह सकते हैं। स्वागत है दोस्त, कोई बात नहीं पूरम जी, स्वागत है दोस्त। फिर आपकी मिटियोर जो मिसाइल है दुश्मन के विमान को कितने 150 किलोमीटर दूर से उसको निशाना बना सकती है, 150 किलोमीटर दूर, याद रखिएगा। और यह दुश्मन के विमानों को भारतीय विमान के करीब पहुंचने से पहले नष्ट कर सकती है, आपकी कौन सी मिटियोर मिसाइल, ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पे जो आपकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल है यह 300 किलोमीटर दूर जो है बेटे वो क्या कर सकती है, निशाना लगा सकती है। ठीक, चलो चलो बेटे, बहुत बढ़िया। ठीक दोस्त, पढ़ लो बेटे, जरूरी है, पढ़ लो, जो काम जरूरी है ना वो जरूरी है, ज्यादा पढ़ाई करना आपका। ठीक, देखा जाए तो ये आपके राफेल का एक क्या है, प्रोटोटाइप है। ठीक, इस तरह से ये लैस हो सकता है, इस पीछे देखना, पीछे यहाँ पे दो साइलेंसर टाइप दिखाई देंगे, तो इसमें क्या है दोस्त, ये आपके दो इंजन है। ठीक, दो इंजन है और यहाँ पे लगी है सारी की सारी मिसाइल्स लगी हैं। ठीक, ये है का, ये है क्या आपका, ये है आपका राफेल है बेटे, ये आपका राफेल है। अब देखा जाए तो जो माइका मिसाइल है वो भी कहाँ लगा है, वो भी आपके राफेल में लगा है। ठीक, अब माइका मिसाइल सिस्टम यह क्या है दोस्त, हवा से हवा में मार करने वाली, आपने पढ़ा था पहले ही, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और साथ ही साथ यह एक रडार के साथ आता है, यानी कि छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक अगर मार करना हुआ तो ये रडार के साथ आता है, याद रखना, ये रडार के साथ आता है, इसको क्या कर किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है। ठीक, और छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, इसको दाग सकते हैं, इसको माइका को। अब माइका जो है आपके किस में पहले लगा हुआ है, पहले से ही लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि राफेल में ही लगा है, पहले से भी यूज हम कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, मिराज 2000 में हम किसको कर रहे हैं यूज, आपके माइका को। ठीक है, मिराज 2000 में। ठीक, अब बात करें तो हवा से हवा में कितना लक्ष्य मार कर सकती है, ये 150 किलोमीटर दूर हवा से हवा में मार करने वाले लक्ष्यों को भेजने की क्षमता रखती है, यानी कि 150 किलोमीटर दूर है अगर दुश्मन हमारा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक बेटे, बहुत बढ़िया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, चलिए चलो आप लोग बेटे कितना समझाया जाए यार ठीक, बात ये है ना बेटे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे दोस्त, नुकसान आपका होना है,
नुकसान आपका होना है बेटे। और याद रखना कि ये सब तुच्छ चीजें हैं, साफ बता दूं, कुछ नहीं होना इनसे। और सही रही बात कि जैसे अभी चैट में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिखते कुछ भाई कि हाँ सर माइका पढ़ा था हमने, उसमें ये चीज थी, उसमें वो चीज थी, तो बात होती राफेल की, भाई राफेल की बात होती, सर अभी आपने मतलब एक पढ़ाया नहीं, तेजस नहीं पढ़ाया, उसकी बात करते आप। अच्छा सर तेजस की मांग इतनी क्यों बढ़ रही है विश्व में, क्यों जो है भारत जो है इसका इसको मतलब कि इतने दिन में बना पाया, क्या दिक्कत रही, तो कुछ तो पूछते। लेकिन भाई आप लोग बेटे ये गोल्डन टाइम है आपका, बहुत बड़ा गोल्डन टाइम है। अगर यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो पहले सीरियस हो जाओ, मैं साफ बता दे रहा, सीरियस हो जाओ बेटे। अगर सीरियस नहीं हो तो यूपीएससी क्षमा नहीं करती है, क्षमा नहीं करती है। चार के चार विकल्प आएंगे, पांचवा विकल्प नहीं आता है उसमें, ठीक। वैलेंटाइन उत्सव मना रहे हैं, क्या ठीक है, स्वतंत्र देश है आपका, लेकिन इतना भी नहीं कि आप जो है किसी की स्वतंत्रता में आप घुस सकें, ठीक है। जहां आपकी स्वतंत्रता खत्म होती है वहीं दूसरे की शुरू होती है, याद रखिएगा, ठीक। ये हम नहीं कहते, संविधान हमारा कहता है, पढ़ाते हैं रवेश सर, ठीक। चलो अब देखें तो यानी कि 150 किलोमीटर दूर से हवा में हवाई मार करने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता और दुश्मन के इलाकों में 300 किलोमीटर के भीतर जमीनी लक्ष्यों को भेदने की क्षमता, 300 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, यानी यही मारक क्षमताएं राफेल को दुनिया का सबसे घातक विमान या फाइटर जेट बनाती है, ठीक है। फाइटर जेट बनाती है भैया कि ये राफेल जो है क्या है बेटे, राफेल आपका सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करें कि भैया F-22 रैप्टर की बात करते हैं, यूएसए के Sukhoi-35 की बात करते हैं, आपके रसिया की, कुछ तो अलग होगा, फिफ्थ जनरेशन आपके जो है फाइटर जेट्स हैं, कुछ तो अलग होगा है, कुछ तो अलग होगा ना। चलो चलो बेटे अब देखा जाए तो जो आपका राफेल है उड़ान के घंटे यानी इसकी लाइफ लाइन कितनी है या इसकी इसका जीवन कितना है, इसका जीवन है बेटे 30,000 घंटे आपका राफेल उड़ सकता है, 30,000 घंटे आपका राफेल उड़ सकता है, ठीक बेटे 30,000 घंटे, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे कि आगे भी कुछ है कि नहीं है। चलिए मिसाइल सिस्टम पढ़ने वाले थे लेकिन कोई बात नहीं, अब देखते हैं अपने तेजस को, ठीक है, तेजस को देखते हैं भैया, जो हमारा तेजस है उनका क्या हाल है। एक तो LCA तेजस है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट कैम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये क्या है, हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में इसको रखा गया है, हल्के लड़ाकू विमान की श्रेणी में इसको रखा गया है दोस्त। अब यह जो है यानी कि जो आपका लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम था, ये बनाया गया था भारत में या शुरू किया गया था कब, 1984 में, याद रखिएगा 1984 में शुरू किया गया था। और मिला कब हमको तेजस, तेजस कब मिला बेटे, 3 से 4 साल पहले, ठीक है, 3 से 4 साल पहले, ठीक बेटे, बिल्कुल 30,000 घंटे प्रीति, 30,000 घंटे देखा जाए तो जो और फ्लाई आपके फाइटर जेट्स हैं उनसे काफी ज्यादा है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी बेटे, हम बात कर रहे हैं तेजस की। अब तेजस का देखा जाए, तेजस का क्या है, वैमानिक विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी तेजस के विकास के लिए आपके एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की, ठीक है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई थी और इसे पुराने MiG-21 की जगह पे लाना था, ये क्या कौन है बेटा, ये है तेजस और ये इतना खतरनाक है कि इसको खूंटे में बांध के रखना पड़ता है, देख लो मैं अगर गलत कहूं तो कहो, देख लो खूंटे में बांध के रखा गया है, ठीक है, सोच लो
जोक्स अपार्ट, ये है बहुत, मतलब कि देखा जाए तो उन्नत किस्म का ही है। और ये साथ ही साथ जो है दोस्त, ये एक मील का पत्थर है भारत की वायुसेना में देखा जाए तो, मील का पत्थर है आपका कौन? तेजस। तेजस मील का पत्थर है बेटे, स्वदेशी विकसित है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है और इसमें लगा है स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी कावेरी इंजन, ठीक है, स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है बेटे, ठीक है, स्वदेशी कावेरी इंजन इसमें लगा हुआ है, ठीक, स्वदेशी कावेरी इंजन लगा हुआ है। ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, हल्का है, मल्टी रोल्ड है बेटे और सुपरसोनिक की गति से चल सकता है, ठीक है, चल सकता है। और इसको किस लिए लाया गया था? आपके मिग 21, ये क्या है बेटे? मिग 21 यानी कि फ्लाइंग कॉफिन। अभी इसको क्या किया गया है, डिकमीशन किया गया कि नहीं किया गया है? उत्तर दीजिए आप लोग, मिग 21 की, बिल्कुल बिल्कुल, अपने नाम की तरह कार्य करता है बेटे तेजस। किसने दिया था नाम, बताएगा कोई इसको? नाम तेजस किसने दिया था? तेजस नाम किसने दिया था? हाँ बेटा, कावेरी इंजन, कावेरी इंजन लगा है इसमें, स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है, बिल्कुल। तेजस नाम, मेग नहीं बेटे, मेग नहीं, मेग, मिग बोलते हैं इसको, मिकयोंग, ठीक है, याद रखिएगा, मिग 21 यानी मिकयोंग, ठीक है, बताइएगा। हाँ हाँ बेटे, मुझे पता है, इसका युद्धपोत पे लैंडिंग सफल हुई, हमने नेवी के वर्जन भी बनाए हैं, नेवी का वर्जन और हल्का है और छोटा है, ठीक है, ठीक बेटे, चलो बताओ, बताना, कोई बताएगा? कोई बताएगा किसने तेजस का नाम दिया था? नहीं पता, खोजना जाके आज, तब आपको पता लगेगा कि भाई ऐसे ही नहीं तेजस बन गया था, ठीक। वाह वाह, बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके इस विमान का नाम दिया था तेजस, ठीक, तेजस, तेजस नाम दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नाम दिया था तेजस, ठीक है, तेजस नाम दिया था। तो ये क्या है दोस्त, पुराने मिग के लड़ाकू विमानों की जगह लेगा, ठीक है भाई, जगह ले लिया इसने, चलो ले लिया, पता नहीं। ये क्या है बेटे, ये है आपका तेजस, ये है आपका तेजस, ठीक है, ये है आपका तेजस। अब तेजस की विशेषताओं के बारे में जान लें, तेजस की विशेषताएं क्या है बेटे? तेजस की विशेषताएं हैं कि यह अपनी श्रेणी का सबसे हल्का, सबसे छोटा मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है बेटे। और साथ ही साथ हवा से हवा, हवा से जमीन, सटीक निर्देशित यानी कि ठीक पॉइंटेड या गाइडेड हथियारों की एक श्रृंखला ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। हथियारों की श्रृंखला, वो हथियार जो क्या हो सकते हैं, गाइडेड हो सकते हैं, गाइडेड हथियार या गाइडेड मिसाइल्स को ले जाने के लिए बनाया गया है। और साथ ही साथ ये हवा में ईंधन भी भर सकता है, कौन? आपका तेजस, आपका तेजस ये हवा में ईंधन भी भर सकता है, हवा में ईंधन भी भर सकता है बेटे। और देखा जाए तो इसकी पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम है, यानी कि 4000 किलो ये हथियार ले जा सकता है, 4000 किलो की। और इसकी रफ्तार बेटे, यह मैक 1.8 की अधिकतम गति से भाग सकता है या चल सकता है या ट्रेवल कर सकता है, यानी कि आवाज की गति से 1.8 गुना तेज। और विमान की रेंज बेटे 3000 किलोमीटर है, यानी अगर एक बार ये उड़ा तो 3000 किलोमीटर घूम के आ सकता है, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं आगे, अब प्रकार देख लीजिए तेजस के, तेजस के प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं बेटे। तेजस का ट्रेनर विमान है जो आपके वायुसेना के लिए क्या है, प्रशिक्षण के लिए यूज होता है। और ये 2-सीटर ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनर जेट है, ठीक है, 2-सीटर है, 2-सीटर है, यानी कि ये ट्रेनर विमान है, विमान है एक। और दूसरा है LCA,
तेजस नौसेना, यानी कि यह क्या है, नौसेना के लिए दो और एकल सीट वाहक सक्षम बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे जो आपका तेजस होगा वो सिंगल सीट भी हो सकता है और डबल सीट भी हो सकता है, ठीक। और LCA MK2 यह नेवी वेरिएंट का फेज टू है, यानी कि नेवी वेरिएंट के लिए फेज टू भी बनाया जा रहा है LCA का। और साथ ही साथ LCA तेजस MK1A यह हाई थ्रस्ट जो है इंजन वाले तेजस MK1 पर किया गया एक सुधार है, यानी कि आपका जो MK1A है वो क्या है, जो आपका LCA तेजस MK1 है उसमें किया गया सुधार है, ठीक। इतने सारे वर्जन्स हैं, इतने सारे चीजें हैं, जानकारियां बहुत है, अपडेशन जब करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अभी फाइटर जेट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हो गए समाप्त, ठीक। अब कल करेंगे हम क्या, कल करेंगे बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के बारे में, कल करेंगे अपने किसके बारे में जानेंगे, कल हम जानेंगे अपने बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम के बारे में कि कैसे हम सुरक्षित हैं, मतलब कि मिसाइलों के घेरे में या मिसाइलों के दायरे में, या हमारी मिसाइलें जो हमारी रक्षा प्रणाली है वो कैसे एक बुलबुला बनाती है, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए हमारे, ठीक है दोस्त। तो यहां से लेंगे हम इजाजत, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए पढ़िए बेटे पढ़िए, जरूरी है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। अगर सपने देखे हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा आपको। और यहाँ चैट बॉक्स में नहीं बेटे, मैं बार बार कहता हूं चैट बॉक्स में नहीं, आपको लड़ना है तो अपनी उन आदतों से लड़ो जो आपको कुछ करने से रोकती है, ठीक। चलिए ठीक है दोस्त, तो लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।